नमस्कार प्रिय मित्रों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे राज्य, स्टेट, प्रांत, प्रोविंस, देश, कंट्री, राष्ट्र, नेशन इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, परंतु अधिकांश लोग इसे समानार्थी एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। उन अंतरों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह राज्य शब्द, स्टेट शब्द एक लीगल शब्द है, विधिक शब्द है, विधिक टर्म है, और भारतीय संविधान में भी इसका प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को समझते हैं। इसकी अवधारणा मुख्य रूप से देखी जाए तो 1648 ईस्वी जर्मनी का वेस्टफेलिया नामक स्थान, वहां पर एक संधि की गई और इस संधि का उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाना। वास्तव में इसके पूर्व 1648 के पूर्व आपको पता है यूरोप में भाषाई इत्यादि आधार पर बहुत सारे संघर्ष हो रहे थे, एक दूसरे से युद्ध हो रहा था, प्रोटेस्टेंट धर्म, कैथोलिक धर्म इत्यादि आपस में संघर्ष कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि अलग स्थान, एक अलग जगह पर वो रहें और वहां पर अपनी सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर सके। इस संदर्भ में नेशन स्टेट की थ्योरी 1648 के बाद आई और बताया कि कुछ चार तत्व हैं, यदि ये चार तत्व मिल जाते हैं तो उसे हम राज्य कहेंगे, उसे हम स्टेट कहेंगे। इन चारों तत्वों में प्रमुख रूप से पहला तत्व है टेरिटरी, क्षेत्र, यानी वह जनसंख्या जहां रह रही है उसके लिए एक निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए और उसमें उसको क्षेत्रीय प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, इसे क्षेत्रीय प्राधिकार भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर जनसंख्या, यानी वे लोग होने चाहिए जिन्हें पॉपुलेशन कहते हैं, और थोड़ा सा अच्छे टर्म को यूज करें तो नागरिक, सिटीजन्स होने चाहिए इनके, उस क्षेत्रीय प्राधिकार के अंतर्गत सिटीजन्स होने चाहिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट, यानी यह जो समाज के रहने वाले व्यक्ति या राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति, ये जो निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट राज्य की एजेंसी की तरह काम करे, इनके लिए नीतियों का निर्माण करे, नीतियों का क्रियान्वयन करे इत्यादि। तथा चौथी चीज है जो महत्वपूर्ण है, और राज्य में यदि यह चौथी चीज नहीं पाई गई तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते, उसे हम स्टेट नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं संप्रभुता, सॉवरनिटी। अब यह सॉवरनिटी क्या है, इसको समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि एक कोई भी निश्चित क्षेत्र है और उसे क्षेत्रीय प्राधिकार प्राप्त है, और ये तीनों चीजें भी वहां पे सम्मिलित है, सरकार है, राज्य है, सरकार है, जनसंख्या है, क्षेत्र है। अब ये जो सरकार है यहां की, ये अपने लोगों के लिए, उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों के लिए कुछ नीतियों का निर्माण करेगी, और उन नीतियों को निर्माण करते समय यदि वह सरकार स्वतंत्र रूप से उनका कर लेती है नीतियों का निर्माण, तो वह संप्रभु है। अब संप्रभुता कब नहीं होगी, जैसे कि इस क्षेत्र के बाहर का कोई व्यक्ति या बाहर का कोई देश इस पर दबाव बनाए कि आप ऐसी नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते, तो ये बाहरी शक्तियां हैं जो चाहेंगी कि नीतियों का निर्माण ना हो, और हो सकता है कुछ आंतरिक शक्तियां भी हो, जैसे किसी भी सीमा के, जैसे किसी भी क्षेत्र की सीमा के भीतर बहुत सारे पावर सेंटर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग, वो चाहते हैं कि अपने अनुसार सरकार को नीतियां बनाने के लिए मजबूर किया जाए, यानी आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से कुछ शक्तियां होती हैं जो नीतियों को निर्माण में बाधक का काम करें। यदि ये दोनों नीतियों के निर्माण में बाधा पहुंचाने में सफल ना हो तो इसका मतलब है कि वह संप्रभुता है वहां पे। तो देखते हैं, बाहरी एवं आंतरिक शक्ति के हस्तक्षेप के बिना नीति का निर्माण यदि उस क्षेत्र में कर लिया जाता है तो हम उसे संप्रभु कहते हैं। जैसे भारत एक संप्रभु राज्य है, यानी बाहरी भी शक्तियां और आंतरिक शक्तियां दोनों के दबाव के बिना यहां की सरकार नीतियों का निर्माण कर लेती है, और यदि ये चारों तत्व हैं तो उसे हम राज्य कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रांत। प्रांत शब्द की बात की जाए तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, और ब्रिटिश शासक भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके शासन करते थे, जैसे कि बंबई प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, इन्हीं को ही हम प्रांत कहते हैं, प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। देश, कंट्री और राष्ट्र, नेशन को हम लोग एक साथ समझने का प्रयास करते हैं।
जो देश होता है, कंट्री होता है, इसके संदर्भ में बात की जाती है। विद्वानों ने कहा है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्ति एक देश के नागरिक माने जाएंगे। यानी देश के लिए आवश्यक यह है कि इसमें भौगोलिक सीमा का होना आवश्यक है। सीमाएं निर्धारित होती हैं, भौगोलिक सीमाएं इसकी निर्धारित होंगी। लेकिन राष्ट्र के लिए जब बात की जाती है, नेशन के लिए यदि बात की जाती है, तो इसमें भौगोलिक सीमा का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें भावनात्मक लगाव या सांस्कृतिक पहलू के आधार पर लोगों की मानसिक रूप से जो जुड़ाव होता है, उसे हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं। मानसिक अवधारणा का तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क में एक लगाव होता है, चाहे वह भावनात्मक लगाव हो या सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर लगाव हो। जैसे कि किसी एक प्रकार के धर्म के लोग हों, एक प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोग हों, जैसे भारत से कई सारे लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, लेकिन उनका लगाव भारत से होता है, उनका लगाव भारत से होता है, तो राष्ट्र के अंतर्गत आएगा। यानी यह मानसिक संरचना पर आधारित होता है, इसके लिए भौगोलिक सीमा की आवश्यकता नहीं होती। कहीं पर रहने वाला व्यक्ति भारत को राष्ट्र मान सकता है, नेशन मान सकता है, ठीक है। तो ये भावनात्मक लगाव या सांस्कृतिक पहलू पर आधारित होता है। अब ये लगाव किस प्रकार से होंगे? एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, एक प्रकार की संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, एक प्रकार के रेस यानी प्रजाति का हो सकता है। कहीं के संदर्भ में भी यदि देखा जाए तो उसे हम राष्ट्र कहेंगे। और जिसके लिए ज्योग्राफिकल एरिया हमने निर्धारित कर दिया, सीमाएं निर्धारित हैं, वह राष्ट्र कहलाता है। अब दो अवधारणाएं आती हैं, राष्ट्र राज किसे कहा जाए और राज्य राष्ट्र किसे कहा जाए, नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट, अब ये शब्द से समझो, मैंने आपको बताया जो नेशन है यह भावनाओं पर आधारित होता है, मानसिक संरचना पर आधारित होता है, और जो स्टेट होता है इसके लिए ज्योग्राफिकल एरिया निर्धारित होता है, इसमें सरकारें होती हैं, इसमें संप्रभुता होती है, ठीक है। तब होता यह है राष्ट्र राज के संदर्भ में यदि बात करें कि पहले राष्ट्र का निर्माण हो, यानी भावनात्मक रूप से या सांस्कृतिक पहलू के रूप से एक जैसे विचारों को मानने वाले लोग एक स्थान पर मिल जाएं और इनके माध्यम से पहले नेशन का निर्माण हो, यानी भावनात्मक लगाव, एक जैसा लगाव रखने वाले व्यक्तियों का समूह एकत्रित हो, और इसके आधार पर ये किसका निर्माण करें, स्टेट का निर्माण करें। पहले नेशन बना, नेशन का मतलब एक जैसा लगाव एक दूसरे के व्यक्तियों के साथ हुआ, और उसके बाद उन्होंने स्टेट यानी राज्य का निर्माण किया और राज्य के वही चारों अवयव सम्मिलित किए। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे भारत देश से पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत देश से, तो उसमें एक धर्म विशेष के लोग एक साथ एकत्रित हुए, एक जैसी भावनाओं के आधार पर उनमें लगाव उत्पन्न हुआ, और वो लगाव उत्पन्न करने के पश्चात एक नेशन में बिल्डअप हुआ, एक भावनात्मक लगाव, और इस नेशन के पश्चात उन्होंने पाकिस्तान राज्य का भी निर्माण किया, तब इसे हम लोग कहेंगे राष्ट्र राज्य। पाकिस्तान एक राष्ट्र राज्य है। अब राज्य राष्ट्र क्या है? यदि राज्य राष्ट्र की बात करें, स्टेट नेशन की बात करें, तो इसमें प्रमुख होता है राज्य। राज्य का तात्पर्य यह है कि वही चारों चीजें, क्षेत्रीय प्राधिकार होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, तथा संप्रभुता होगी, तथा नेशन का तात्पर्य यह है, फिर हमने बताया था आपको कि भावनात्मक लगाओ, इसमें क्षेत्र का तात्पर्य नहीं होता है। तो भारत पहले राज्य पर आधारित है तथा इसमें बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार से भावनात्मक रूप से एकत्रित होते हैं, समूहीकृत होते हैं। जैसे भाषाओं के आधार पर भारत में अनेक प्रकार के लगाव हैं, क्षेत्रों के आधार पर यदि बात करें तो अलग अलग लगाव हैं, धार्मिकता के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के लोगों में लगाव हैं, एकता है। परंतु यदि भारत के संदर्भ में कोई बड़ी बात आती है तो सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के भारतीय राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा स्टेट किसे कहते हैं, प्रोविंस किसे कहते हैं, देश क्या है, इत्यादि चीजों को। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके सूचित करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान की श्रृंखला को भी आगे प्रारंभ कर पाएंगे। समाजशास्त्र आप लोग देख रहे हैं और लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।